बेचारा सो रहा था। तो मैडम आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, संडे का इन्होंने पूरा फायदा उठाया। वॉक करके जाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मौसम का लुफ्त उठाना चाहिए। बता दियो पीछे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। आज का मौसम आप देख सकते हो, मौसम हो रखा है बहुत ही अच्छा, बादल हो रखे हैं। और कल भी बारिश हुई थी, कल मतलब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, बारिश भी हुई थी। आज ये है कि बारिश तो नहीं हुई, हवा ठंडी है, साथ में बादल हो रखे, तो इस वजह से मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो सोच रहे हैं थोड़ा सा बाहर जाए, थोड़ा सा घूम के आए। मैंने कुर्ती पहनी हुई है ब्लैक कलर की, और दुपट्टा डाला हुआ है कौन से कलर का। अभी मैं जा रही थी नेल पेंट लगाने के लिए, क्योंकि जो मेरी नेल पेंट थी ना फटी हुई थी, कहीं से लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। और उसके साथ में आज मैंने एक नेचुरल डाई बना के अपने बालों पे लगाई थी, उससे मेरे बालों में आया है बहुत ही बढ़िया वाला कलर, आप देखिए। और इसका वीडियो आपको मिलेगा नेचुरल पूजा पर देखने के लिए, जो मेरी नेचुरल पूजा चैनल पर वीडियो है हेयर डाई की, वो आ चुकी है, आप लोग जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये लगाने के लिए जा रही थी तो सूखी हुई है, ये वाली सूख गई, तो इसको लगा लेती हूँ। मैं सोची इसके ऊपर ही लगाती हूँ। देखो उस नेचुरल पूजा को क्या जोर डरा दी आपने। अभी अभी मैडम को घुमाने में लेके जाऊंगा, घुमाने का लेके जाऊंगा, सब्जी खरीद जाएगी तो मैडम के हाथ में दूंगा झोला थैला नहीं झोला झोला मैं लूंगा, थैला का दूंगा। अगर नाम बता दे कि ये लेके आना है, तब तो नखरे होते हैं सबके, नहीं ये मत लेके आना, ये सही नहीं लगता। तो फिर ये सब जो लाने वाला होता है ना, फंस जाता है, जोड़ देगा कैसे देगा। तभी तो मिल लिया जोड़ी। तो आज मेरे घर में बनने वाले हैं फ्राइड राइस, और उसकी तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। और ये लीजिए आपके लिए, और ये है लहसुन जो इनको सजा दी गई है, इतना खतरनाक है, क्योंकि ये आप ही लेके आए हो छोटा वाला लहसुन, मतलब एकदम छोटे छोटे इसके हुए हैं कली। और ये लहसुन जो छीलने में परेशानी आती है ना, साफ करने में बहुत ज्यादा आती है। छीलने के दर्द को ऐसे रगड़ो, ऐसे करो। चलो आप बताओ कैसे रगड़ो, कैसे करो, ऐसे इनको करो। कैसे करो, ये साइड में कर दो, ये मैं कट कर दूंगी। ऐसे करा, अच्छा ऐसे करा, ऐसे करा, अच्छा साफ साफ हुआ। ये एक, ये सिर्फ कली जो इसकी है ना वो अलग हुई है ना, कि साफ हुआ, साफ का भी छिलका हटाना है। हाँ तो ऐसे करो ना, हाँ हाँ तो करो। आलू में कट कर देती हूँ, क्या क्या डालू इसमें बताओ मुझे। देखो इसमें मटर डालो, मटर नहीं है, पीस करके आलू को डालो, आलू है, और सोयाबीन डालो, सोयाबीन है, और पनीर डालो, पनीर आ जाएगा, तो और हरी चटनी बनाई है मैंने साथ में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हे गाइस, अभी मुझे कुछ चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर किया, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कुछ ही मिनटों में सारा सामान मेरे पास डिलीवर हो चुका है। तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान मंगाया है। सबसे पहले तो आप इसकी पैकेजिंग देखिए, ये जो सामान है ना मुझे बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। ये देखिए मैंने मंगाया है कोकोनट ऑयल, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके साथ में मैंने एक मंगाया है ये काजू का पैकेट, और मैंने अपने जॉर्ज के लिए भी कुछ मंगाया है। ये है कैल्शियम मिल्क बॉन्ड जो मैंने अपने जॉर्ज के लिए मंगाया है, यानी कि अपने डॉगी के लिए। और इन सभी के साथ में मैंने मंगाया है टाइट पाउडर, इसकी भी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। और यहाँ पे मैंने मंगाया है आशीर्वाद आटे का पैकेट, तो ये 10 केजी का मैंने आटे का पैकेट मंगाया है। तो गाइस ये सारा ही सामान मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर करके मंगाया है। आप सब लोग भी स्विगी इंस्टामार्ट पे ऑर्डर करके घर बैठे अपना सामान मंगा सकते हो। तो अभी हम आए थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर निकल के, नहीं तो सारा दिन घर में ही हो जाता है। थोड़ा सा बाहर वॉक करके जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो पार्क में चलते फिर। पार्क में क्या यार, इतना लंबा राउंड लगा रहे हैं ये, ठीक है काफ़ी है सामान। मतलब मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड राइस, उसकी सारी तैयारियाँ करके आई हूँ, सब कुछ कट करके रखे आए, लेकिन पनीर मिला नहीं था, तो इसलिए सोचा चलो बाहर तो जा रहे हैं, तो इसलिए सोचा कि बाहर जा रहे हैं, बाहर से पनीर भी लेते हुए आएंगे, बस मुझे जाके बनाने है। आज मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा है, मौसम की तो पूछे मत, मौसम तो बड़ा मस्त वाला, गर्मी है नहीं और बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम। मटर है भैया दाने वाली, ये तो छोले हैं। और फिर बड़ा पैकेट होगा उसमें तो। ये कितने का है पैकेट? 50 का लेने, 97। Thank you.
इसको मैं पानी में अभी डाला है 10-15 मिनट पहले, तो काफी ज्यादा ये सॉफ्ट हो चुकी है। इस तरीके से मैं पानी निकाल दूंगी और मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड राइस, जिसकी तैयारी मैं पहले करके गई थी। बस ये था कि मटर मेरे पास में नहीं थी, तो मटर मैं अभी लेके आई, इसको मैंने साफ कर लिया और तो सब कुछ मैं पहले चेक करके गई थी। तो पहले मैंने डाली है देसी घी, उसमें डाली है हींग, साथ में डालूंगी काली मिर्च और ये ढेर सारा लहसुन जिसको मैं साफ करके गई थी, हस्बैंड से साफ करवाया था, थोड़ी सी मैं डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये प्याज कटा हुआ बारीक, बच्चों को प्याज थोड़ा सा कम पसंद है लेकिन मैंने बारीक बारीक प्याज, नहीं मुझे तो है मम्मी पसंद है बारीक। इसमें ये धुली हुई साफ मटर, मैंने हरी सब्जियां ली है ज्यादा, जैसे और मैं पनीर भी लेके थी, पनीर भी नहीं था, तो पनीर को भी कट करके अच्छे से साफ धो के और इसलिए पानी में मैंने डाल के रख दिया, क्योंकि जैसे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तो इसलिए। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ फ्राइड राइस और आप सभी से मिलती हूँ थोड़ी देर में। चॉर्च इसको भी डालो, चलो चल चल चल। अच्छा तो पापा भी क्या करा गया, पूछते पापा से। पापा आपका करा गया, ये तो पागल हो जाएगा पापा को देखें। आप तो 10 मिनट के लिए भी बाहर जाओगे ना, तो ऐसे लगेगा पता नहीं कितने टाइम के बाद घर में आए हो। अब वो कर दो, मसाज कर दो, देखो बैठ गया तो पूछ देखो इसकी। आप भी मिलते हो इसे मसाज कराने के लिए, माई के पास जाएगा आप मसाज कराने। उत्तरी था? अच्छा पंगा पंगा। पेपर है बेटा, फोन चलाने के लिए टाइम है तेरे पास? माइंड फ्रेश बेटा, फोन से नहीं होता, माइंड फ्रेश होता है थोड़ा सा बाहर निकल के वॉक करके आएगा। अभी खाना खा के वॉक करके आऊंगा। तो यहाँ पे मेरे राइस हो चुके हैं तैयार और साथ में है हरी चटनी। आपको हरी चटनी चाहिए ले लो, हरी चटनी ले लो, नहीं कुछ नहीं करेंगे, हरी चटनी जॉर्ज हमें खाना खाने दे, ठीक है, शांति से बैठ जाए एकदम। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैंने अभी नेश्वर पूजा चैनल के लिए एक वीडियो शूट की थी, वीडियो मेरी दिन में शूट हो गई थी लेकिन इंट्रो मैंने नहीं बनाया था, जो मैंने अभी कंप्लीट किया है। और वीडियो आएगी नेचुरल हेयर डाई के लिए, जो मैंने आज बना के अपने बालों पे लगाई थी और मेरे बालों पे आया है बहुत ही प्यारा सा कलर। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और अभी आप देखिए ढेर सारे पड़े हुए मेरे कपड़े जिनकी मुझे तय लगानी है। सारे कपड़े मैंने कल धोए थे, धोने के बाद कल का मौसम ऐसा ही था कि कल तो यहाँ पे बारिश हुई थी लेकिन हवा थी, तो हवा की वजह से जो कपड़े जल्दी से ड्राई हो गए थे। सारे कपड़े मैंने एक जगह डाल के बेड पे डाल दिए हैं जिससे मैं आराम से इनकी तय लगा सकूं। बस मेरे पास एक काम और बचा है क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एक काम मेरा ये है कि मंदिर के जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़े निकाल के अभी मुझे धो के सुखाने हैं, जिससे मॉर्निंग में वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और फिर क्योंकि सुबह फिर मंदिर की सफाई करके मेरा आज का सारा काम हो चुका है खत। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट्स करके। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करके जाना। बाय, जय माता दी।